ओम ह्रीं बगलामुखे शब्दुष्टानं वाचं मुखं परमस्तंभे जीह्वां कीलबद्धिमान श्री मम स्वाहा। रात्रि का द्वितीय प्रहर चल रहा था और साधु महेश्वरानंद खींची जी चले चले जा रहे थे पर्वतों के ऊपर और वातावरण ठंडा था। रात का समय था। उन्होंने जो उनके साथ दो शिष्य चल रहे थे उन्होंने आज्ञा दी कि आप अब ऊपर नहीं जा सकते। तो शिष्यों ने कहा हम क्या करें महाराज। तो महेश्वरानंद खींची जी ने कहा कि आप यहीं पर डटेंगे, आप यहीं पर रुकेंगे और रुक करके मेरा इंतज़ार करेंगे, मैं उतर के आऊँगा। मैं एक भैरवी सायुज्य दुर्गम साधना करने जा रहा हूँ और ये मेरी जीवन की आखिरी साधना होगी। तो वो लग जाते हैं लक्ष्य पे और चल देते हैं। सर्दी कड़ाके की सर्दी थी और ऊपर चढ़ते जाते हैं पहाड़ों पर, पैरों में उन्होंने वैसे जो मतलब खड़ाऊँ टाव के टाइप के पहन रखे थे, जो कपड़े लपेट के उसके ऊपर खड़ाऊँ पहन रखी थी, क्योंकि जूते वगैरह चमड़े वगैरह के वो नहीं पहनते थे और ना ही उस समय इतनी उपलब्धता थी उस समय में, आज से 70 साल पीछे। तो फिर क्या होता है, चलते चले जाते हैं, चलते चलते उनको 2 घंटे और बीत जाते। वो दिन में भी इतने अभ्यस्त थे उन मार्गों के, इसीलिए वो रात में ऊपर तक पहुंच पाए। वो रात में ऊपर तक पहुंच पाने पर क्या होता है कि उनको दूर पर्वत पे एक कुटिया में टिमटिमाती हुई लाइट कोहरे में दिखाई देने लगी। तो उन्होंने समझ लिया कि उनका लक्ष्य आ चुका है। तो उनके चेहरे की सिकंद थी वो समाप्त हो गई। ऊपर जाके उन्होंने देखा कि एक 16 वर्षीय करीब एक कन्या बैठी हुई है, 16 से 18 के बीच उसकी उम्र होगी। वो सामान्य कन्या नहीं थी, वो भैरवी थी, क्योंकि वो उम्र दराज नहीं थी। तो ये जान पाना मुश्किल था उसकी सुंदरता से कि वो तंत्र के बारे में ज्ञान रखती होगी। तो फिर क्या होता है, क्योंकि वो पहले से उसे जानते थे तो 10 मिनट वार्तालाप होता है। 10 मिनट वार्तालाप होने के बाद महाराज जी के लिए उन्होंने एक अल्पाहार की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि महाराज जी रात को खाना नहीं खाते थे। तो उन्होंने अल्पाहार थोड़ा सा लिया और वो अपने गर्म कंबल ओढ़ करके वहीं कुटिया में सो गए। दूसरी तरफ एक खाट पड़ी थी, वहाँ पर वो भैर भी सो गई। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये उनकी जीवन की अंतिम भैरवी सायुज्य साधना थी, क्योंकि अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही थी। इतना समय हो गया था उनको तपस्या सेवा करते करते कि उनके भी गुरु ने उनको आज्ञा दी थी, जो उस 70 साल पहले 105 साल के थे, उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि ये अंतिम साधना है तेरी, ये कर, अगर तू कर लेता है, वैसे इसमें सफलता बहुत कम लोगों को मिली है, अगर ये तू कर लेता है तो अपनी इस साधना को छोड़ करके बाकी साधनाओं को अपने शिष्यों को दे करके विश्राम करियो, तू इस क्षेत्र से बिल्कुल विमुख हो जाए, अलग हो जाइयो। तो उन्होंने अपने गुरु का मान रखते हुए, उनकी बात मानते हुए ये कदम उठाया था, क्योंकि उनको मालूम था ये बहुत दुर्गम साधना है।
दोस्तों इस घटना के जो पात्र हैं उनमें से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो पात्रों से मेरा जुड़ कहीं ना कहीं जुड़ाव है, ये आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, ताकि आप इसको वैसी बात ना समझें, कोरी बात है। और फिर क्या होता है कि दूसरे दिन मुहूर्त निकलता है भैरवी साहिब जो साधना का, तो साधना के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, नीचे उतरना पड़ता है उसके लिए उनको पहाड़ से, क्योंकि नीचे प्राचीन शमशान था, और प्राचीन शमशान था वहीं पर कुछ सिद्ध साधक, क्योंकि वो सिद्ध स्थल था, सिद्ध भूमि थी, तो वहाँ कुछ सिद्ध साधक आकर के तपस्या करते थे, और ये परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही थी। तो उनको किसी और ने बताया, उनको किसी और ने बताया, उनको उनके गुरु ने बताया, उनको उनके गुरु ने, ऐसे करके ये जानकारी उनको मिलती रही। तो मित्रों जानकारी मिलती रही, तो फिर क्या होता है, फिर उन्होंने जो आगे का कदम बढ़ाया था, इसमें कोई साधना में गंदगी नहीं थी, कोई नग्नता नहीं थी, जैसा कि आप किताबों में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि आपको बताऊं, जो आप भैरवी साधना के वो या भैरवी से संबंधित जैसे साधना है उनके फ़ोटो देखते हैं, तो उनकी मुद्राएं देखते हैं, तो वो मुद्राएं नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, और उन मुद्राओं को साधना लाखों करोड़ों में व्यक्ति में किसी एक के बस की बात होती है, जिनको संसार से बिल्कुल वियोग हो गया हो, जो इस शरीर को मिट्टी समझते हों, जिनके लिए मोह का कोई मतलब ही नहीं है, जिनके लिए माया कुछ है ही नहीं, क्योंकि माया आदि शक्ति नहीं है, बल्कि आदि शक्ति ने माया को रचाया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग माया को सब आदि शक्ति समझते हैं, ऐसा नहीं है। महामाया को आदि शक्ति ने रचाया है, माता दुर्गा ने, ठीक है ना। तो ये भेद है थोड़ा सा, आप इसको जान लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊँगा, कभी हम रहे ना रहें तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि महामाया शक्ति नहीं है, ये आदि शक्ति की उत्पत्ति है, योग माया, जो संसार को भ्रमित करने के लिए बनी है, और संसार इसी माया में फंस करके और इसी भ्रम भ्रावे में फंस करके लिप्त रहता है, और इतने मौके मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो माया उसके ऊपर से पर्दा हटने नहीं देती है। मालूम है आपको, आपको कितना मतलब इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, बताता हूँ। लिप्त होना तो सबको ही लिप्त हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, सब लिप्त हैं, ठीक है ना। हाँ, पर थोड़ा अंतर होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है, जैसे आपने मेरे पास भी देखा होगा, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको उसका मोह ममता नहीं होनी चाहिए, उसके उसमें मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कार है तो उसको उसमें अपना मन हो बहुत, बंगला है उसमें मन हो बहुत, वस्त्र आभूषण है उसमें मन हो बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो तो आप लिप्त नहीं हैं, आसक्ति आप में कम है। यदि आप उसमें लिप्त हैं और यदि आपकी माया है उसमें आपकी जान बसती है, तो वो आप माया से बिल्कुल लिप्त हैं, ठीक है ना। जैसे कि आजकल कई बड़े बड़े संत महंत भी लिप्त हैं माया में, उनको राशि सिंहासन चाहिए बैठने के लिए, और महंगी महंगी कारों का गाड़ियों का शौक, वो लिप्त हैं माया में। तो इस टॉपिक को छोड़ के हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो वहाँ प्रयोजन ये था कि भैरवी की आंखों में आंखें मिलाते हुए, और जिसको कहते हैं चक्षु वज्रपात या चक्षु मतलब शक्तिपात, दोनों कह सकते हैं इसको, ये करते हुए आपको
सेवा का मतलब साधना करनी है, मंत्र करना है बहुत अल्प समय के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है, मात्र 2-3 घंटे ऐसा वो समय होता है। और वो साधना आपको 3 दिन करनी होती है, ठीक है ना। इसमें शक्ति, इसमें जब शक्ति जगती है तो वो बीच में जगती है, दोनों के बीच में शक्ति का विस्फोट होता है। और इसमें 2 तरह की साधनाएं होती है, एक निर्वस्त्र और एक वस्त्रों से, ठीक है ना। तो ये मेरी ज्ञात में नहीं बता पाई मुझे कि वो कौन सी चल रही थी, तो ठीक है ना। तो ये मुझे अभी बताया भी होगा तो याद नहीं है, काफ़ी समय हो गया उस बात को। तो पहले दिन कोई सफलता नहीं, बल्कि दिमाग में उन्माद हो गया, दिमाग में टेंशन हो गई, सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन फिर करते हैं, दूसरे में भी कुछ नहीं होता है, दूसरे में बड़े भयानक अनुभव होते हैं, चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं आसमान तक लंबी लंबी, पूरा शमशान भयावह हो जाता है। तीसरे दिन रात्रि के द्वितीय प्रहर में जब साधना होती है तो एकदम से आकाश फटने की सी आवाज़ आती है, जैसे आकाश फटता है, बादल फटता है, और जिस चीज़ की उनको देखने की या जिस देवता का साक्षात्कार की उनकी तमन्ना थी वो सामने हो जाता है। अब समझ लीजिए वो हालत हो गई थी उनकी, वो हालत हो गई थी उनकी महेश्वरानंद खिची जी की, कि वो उससे न तो नज़र मिला पा रहे थे उसके तेज के आगे, न ही कुछ पूछ पा रहे थे और न ही कुछ मांग पा रहे थे। मतलब क्या कहते हैं, किंकर तक भी विमूढ़ हो जाना, मतलब कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही ना रहना, या फिर ये समझ में ना आना कि मैं क्या करूँ, मतलब बिल्कुल किंकर कंतव्य विमूढ़। तो अब ऐसा होने के बाद क्या होता है कि भैरवी थी जो सामने, वो पूर्ण उसमें थी, जागृत अवस्था मतलब होशोहवास में थी, चैतन्य अवस्था में। उसने तुरंत कहा, खींची होश में आ, छोटी सी भैरवी 16 साल की कन्या, एक 65 साल के एक सन्यासी, बड़े मतलब तपस्वी से कह रही है कि खींची होश में आ। तब उनको अचानक याद आता है, लेकिन वो केवल इतना बोल पाते हैं कि तंत्र कला में सिद्धि, बस इतना बोल पाते हैं, उनके मुंह से इतना ही शब्द निकलता है, तंत्र कला में सिद्धि। तो बस इतना कहने के बाद वो बेहोश होकर के वहाँ लड़क जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर में उनको होश आता है, और उनको मरम पड़ता है कि मैंने तो बहुत गलती कर दी, मैंने तो कुछ ध्यान ही नहीं दे पाया, तो बाकी मैं नहीं दे पाया भाई ध्यान। तो भैरवी से पूछा तो भैरवी आवाज़ दी उन्होंने भैरवी को, भैरवी कर्म से निकल के आती है, भैरवी के बिल्कुल सफ़ेद बाल, चेहरे पे सैकड़ों हजारों झुर्रियाँ, वही भैरवी है जो 16 साल की, ध्यान रखिएगा, चेहरे पे सैकड़ों हजारों झुर्रियाँ, शरीर में मांस चिपक के हड्डियों में पहुंच गया है, लेकिन खींची जी को ये कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अवस्था, उम्र और उसके अनुभव को मालूम था, क्योंकि उनके गुरु ने पहले ही बता दिया था कि ये सैकड़ों साल से यहाँ पर है भैरवी, जो पहचान जाता है वही पहचान जाता है, उन्होंने उसके रूप का पहले ही वर्णन कर दिया था। तो खींची जी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसको देख करके उनको थोड़ा भय जरूर हुआ, वो बड़ी ख़तरनाक मामला है, जैसे आपको लगता है ना कोई एक सूखा मांस चिपका दिया गया हड्डी पे, ऐसा कंकाल सामने आके खड़ा हो जाए। लेकिन वो उतनी मधुर वाणी में बोलती है, क्या हुआ, डर गए क्या? उन्होंने कहा, नहीं, आपने मुझे बचा लिया कल रात को, क्योंकि देव ने अपनी शक्ति दिखा दी और प्रत्यक्षीकरण भी दे दिया, लेकिन मैं मांग नहीं पाया, केवल वही मांग पाया जो बहुत छोटा था, भाग था,
तंत्र में सिद्धि मांग पाया, जबकि संपूर्ण तंत्र कला में सिद्धि मांगनी थी मुझे। तो जो तंत्र में कर रहा हूँ उसी में सिद्धि मुझे मिलेगी, मुझे मालूम है। यहाँ पर आकर के मित्रों ये चीज़ अब समाप्त करता हूँ। इतना हुआ था भैरवी साधना में, और ये बनारस के एक जुड़ने वाले हमारे जो पहले आ रहे थे, अब तो पता नहीं उनका कुछ, तो उन्होंने ये घटना मुझे बताई थी और कुछ मंत्र भी दिए थे। जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी 17-18 साल पहले, तो उनकी उम्र भी करीब करीब होगी 60-65 साल, सफ़ेद बाल थे उनके, चमक चेहरे पर चमक थी, 6-6.25 फुट लंबा शरीर मतलब कद था उनका, और गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने, और रेती में बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे। जब मेरी बातचीत हुई थी उनसे तब उन्होंने बताया था, काफ़ी लंबा वृत्तांत है, मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बताया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत समय से आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज घटना भैरवी साधना की, उन्होंने जब बताया तो बड़ा रोमांच हुआ आया था उस समय, और इसको घटना को सुनने वाले कई लोग थे साथ में, तो ये मैंने आपको बताई, एक छोटा सा अनुभव आपको दिया मैंने कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जय माता रानी और जय माँ भवानी। शुभ रात्रि, गुड नाइट।